Hey all, it's Uba Ayush, and I welcome you all in this particular series of websites which you should definitely know. इस पर्टिकुलर सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ 10 वेबसाइट ऐसी शेयर करूंगा जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। यार ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, ट्रस्ट मी ये कंटेंट आपको बहुत ही वैल्यूएबल लगेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो यार ये वीडियो किस तरह चलेगी ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको अपने कंप्यूटर में दिखा दूंगा कि कौन सी वेबसाइट क्या करती है, कितनी क्या यूजफुल है। ठीक है, तो यार कुछ इस तरह वीडियो चलेगी एंड आई होप आपको काफी पसंद आएगी। तो यार वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेटर इन द वीडियो आई विल टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल फुल डेवलपमेंट कोर्स, उसे भी चेकआउट कर लेना, उसे भी सुन लेना। तो यार बात करते हैं पहली वेबसाइट की इस पर्टिकुलर लिस्ट में, जिसका नेम है चीटोग्राफी। इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आपको एक तरह से चीट सीट्स मिल जाती है। 5219 सीट्स हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में, और सीट्स को आप ऐसे बना सकते हैं जैसे पीडीएफ। किस चीज की पीडीएफ? आपको एल्गोरिथम्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मिल जाएंगी, किसी भी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की, एल्गोरिथम की, टूल की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आपको चीट सीट चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपको अपने लैपटॉप पे शो कर देता हूँ कैसे क्या आपको एक्सेस करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, और चीट सीट्स कैसे यूजफुल होंगी आपके लिए। ठीक है, तो यार अपनी चीटोग्राफी की वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5000 फ्री चीट सीट्स मिल जाएंगी। प्रोग्रामिंग की है, सॉफ्टवेयर की है, बिजनेस मार्केटिंग, एजुकेशन, होम एंड हेल्थ, गेम एंड हॉबीज, किसी पर्टिकुलर फील्ड की अगर आपको चाहिए तो आपको सारी यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको प्रोग्रामिंग की शो कर देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग तो आप यहाँ पे टॉप टैग्स में देख सकते हैं पाइथन डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट, वेब, एचटीएमएल, इन सब टॉपिक की सीट्स मिल जाएंगी आपको यहाँ से। ठीक है, लैंग्वेजेस कौन सी वो भी आप सारी देख सकते हैं। ठीक है, और एक मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे मानिए ये एंग्लो जीएस की ओपन करते हैं, तो यार आपकी सीट कुछ इस तरह होती है, सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की, इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे आप बाकी चीट सीट्स का भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वेबसाइट की इस पर्टिकुलर लिस्ट में। सेकंड वेबसाइट का नेम है जेड लाइब्रेरी। ये वेबसाइट बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं या अगर आपको कोई भी बुक ई बुक के फॉर्म में चाहिए तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट बेस्ट होगी आपके लिए। ट्रस्ट मी, मैंने डेटा स्ट्रक्चर की बुक सर्च करी, जो कि बेस्ट सेलर है, उनके भी ई बुक आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है ये, अभी मैं आपको शो कर दूंगा। कोई भी बुक चाहिए हो आपकी, किसी पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड हो, फाइनेंस, बिजनेस, साइंस, बायोलॉजी, एनीथिंग, हर एक पर्टिकुलर बुक की ई बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यार ये अपनी बुक्स की लाइब्रेरी, कितनी बुक्स हैं यहाँ पे वो आपको यहाँ से बताया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे बुक को सर्च करना है, जैसे मानो मैं जावा की सर्च करता हूँ, ठीक है, देन यहाँ पे सर्च पर क्लिक करना, जितनी भी जावा की बेस्ट बुक्स हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, रेटिंग शो हो जाएगी, किस फॉर्मेट में, किस ईयर की है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। ये जावा की थी, ऐसे मानो मैं डेटा स्ट्रक्चर की सर्च करता हूँ। अब यार जो डेटा स्ट्रक्चर की बेस्ट बुक्स हैं, जैसे कि ये सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये पर्टिकुलर बुक तो मेरी फेवरेट है, आपने काफ़ी यूट्यूबर्स के मुंह से ये पर्टिकुलर बुक सुनी होगी यार। ठीक है, और मैंने भी इससे पढ़ा है, तो ये बुक भी आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, और बाकी बुक्स भी आप देख सकते हैं। ऐसे आपको जो भी सर्च करना हो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वेबसाइट की इस पर्टिकुलर लिस्ट में। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम है roadmap.se। ये वेबसाइट बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। इस पर्टिकुलर वेबसाइट से अगर आपको कोई भी करियर परस्यू करना हो, जैसे मानो आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, जैसे मानो आपको फ्रंट एंड समझना है, जैसे मानो आपको बैकएंड समझना है, बैकएंड में कैसे कहां से जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या क्या होता है बैकएंड में, पूरा रोड मैप आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिल जाएगा। जिन जिन फील्ड के आपको यहाँ से रोड मैप मिलेंगे वो है डेवऑप्स, फ्रंट एंड, बैकएंड, रिएक्ट, पाइथन, जावा, एंड्रॉइड, एंगुलर, गो, AWS का आने वाला है, ऐसे सारी फील्ड्स के रोड मैप आपको मिल जाएंगे, टू द पॉइंट और बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो यार roadmap.se अपनी थर्ड वेबसाइट है। तो यार ऐसे कुछ रोड मैप्स आपको यहाँ से मिलेंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, जैसे मैंने आपको बताया। एक मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मानिए हम लोग फ्रंट एंड में जाते हैं। ठीक है, तो आप इस पर तो रोड मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या जरूरी है पढ़ना, किसको आप छोड़ सकते हैं, वो सब आप यहाँ सिंबल से देख सकते हैं। और ऐसे गिवन है क्या क्या पढ़ना है, फ्रंट एंड में पहले इंटरनेट के बारे में समझना है, उसमें ये सारे टॉपिक्स, फिर HTML, CSS, JavaScript, फिर आपका गिट आएगा, ऐसे करके सारी चीज़ें जुड़ी हैं, और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है इस पर्टिकुलर रोड मैप को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ऐसे आपको बाकी सारे करियर्स के भी रोड मैप मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है यार ये। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ वेबसाइट की। फोर्थ वेबसाइट इस पर्टिकुलर लिस्ट में है, उसका नेम है कार्पन।
इस वेबसाइट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर आपको कभी भी अपने कोड को शेयर करना हो सोशल मीडिया पे या अपने दोस्तों के साथ, तो आप उस पर्सनल कोड को इस पर्सनल वेबसाइट पे लिख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपके कोड को सजा देगा। फिर आप अपने दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे यही सीधा पोस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है यार ये, अगर आप जाकर अपने दोस्तों के साथ अपने कोड भेजते रहते हैं तो बहुत ही यूजफुल होगी ये आपके लिए। फिर ये अपनी कार्बन वाली वेबसाइट है, ठीक है, इसमें आप कोड लिख सकते हैं, इसमें किसी भी फॉर्मेट में आप कोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे मानो इसमें चेंज करना था, चेंज हो गया, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो, जैसे मानिए कि हम लोग जाते हैं डार्ट में, तो डार्ट जावा जैसी थोड़ी होती है, तो उसका यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, सेटिंग है, डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्वीट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गिटहब के साथ इंटीग्रेटेड है, आप गिटहब की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ वेबसाइट की, जिसका नेम है टाइनी वॉब। अगर आपको फाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब जैसे मानो किसी फाइल के फॉर्मेट को किसी दूसरे फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, दो फाइल को मर्ज करना है या कंप्रेस करना है किसी फाइल को, फाइल से रिलेटेड जितने भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको फाइल के साथ करना हो, किसी भी वर्जन में करना हो, पीडीएफ जेपीजी कुछ भी करना हो फाइल के साथ, आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। मैं भी आपको लैपटॉप पे शो कर दूंगा कितने फीचर्स हैं इस वेबसाइट में, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर ये अपनी टाइनी वॉव की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं पीडीएफ, इमेज, वीडियो, फाइल, ये सारी चीजों में आपको फायदे मिलेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। अब देखते हैं क्या क्या होता है। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, किसी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, पीडीएफ को स्प्लिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं पीडीएफ, अनलॉक कर सकते हैं, क्यूआर कोड जनरेटर, फेसबुक डाउनलोडर, क्रिएट पीडीएफ, ट्रिम वीडियो, टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर, वीडियो टू वेब ऐप, स्प्लिट एक्सेल, MP4 टू MP3, JPG टू एनी अदर फॉर्मेट, और ऐसे सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंटेंट है इस पर वेबसाइट में, तो ये वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार अगर पसंद आए तो। अब बात करते हैं सिक्स वेबसाइट की, जो कि है ओपन सोर्स अल्टरनेटिव 2। यार ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, आपने कितने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया होगा आप तक अपनी लाइफ में, तो वो सारे एप्लीकेशन के अल्टरनेटिव आपको इस पर वेबसाइट से मिल जाएंगे। कैसे कि जैसे मानो अगर आपको गूगल ड्राइव का अल्टरनेटिव चाहिए जो कि ओपन सोर्स हो, वो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिल जाएगा। अभी मैं आपको शो कर दूंगा। अगर मानो आपको गूगल एनालिटिक्स का अल्टरनेटिव चाहिए तो एक अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, 5-6 अल्टरनेटिव है जो कि ओपन सोर्स है, 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट है ऐसे, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है यार, इसे जरूर चेकआउट करना। फिर ये अपनी ओपन सोर्स अल्टरनेटिव की वेबसाइट है, अब इसमें आपको कोई भी टॉपिक पे कोई भी अल्टरनेटिव चाहिए ओपन सोर्स में, जैसे मानो मैं क्लाउड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्लाउड में जो अल्टरनेटिव आपको मिल सकते हैं वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव के अल्टरनेटिव ये सारे हैं, ओपन सोर्स अल्टरनेटिव टू गूगल ड्राइव, एक पे क्लिक करके मैं आपको शो कर देता हूँ। ऐसा कुछ होगा यार, मोर ओपन सोर्स अल्टरनेटिव्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ड्रॉपबॉक्स का, गूगल ड्राइव का, गिटहब का अल्टरनेटिव, अमेजॉन API गेटवे, स्पॉटिफाई का अल्टरनेटिव, सारे आपको ओपन सोर्स अल्टरनेटिव इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिल जाएंगे। ऐसे मैंने क्लाउड को सर्च किया, आप चाहे तो कम्युनिकेशन का सर्च कर सकते हैं, इसमें जो अल्टरनेटिव होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। डिस्कॉर्ड का अल्टरनेटिव आपको यहाँ से मिल जाएगा, व्हाट्सएप का मिल जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, इसको जरूर यार एक्सप्लोर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जरूर लाइक करना इस फुट को वीडियो के, यार बहुत बेहतरीन रिसोर्सेज हैं यार ये। अब बात करते हैं सेवन वेबसाइट की इस फुट को लिस्ट में, जो कि है कोडिंग गेम। इस पर वेबसाइट से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं फन वे में, मतलब गेम खेलते खेलते आप लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और सिर्फ अकेले नहीं अपने दोस्तों के साथ भी गेम खेल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है यार, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं खेलते खेलते अच्छे तरीके से, ठीक है। ये पर वेबसाइट मैं उनको रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई तो ये वेबसाइट बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए। फिर ये अपनी कोडिंग गेम की वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ से सीख सकते हैं फन वे में, साइन अप करना, अकाउंट बनाना, फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और सीख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एट वेबसाइट की, जो की है फ्लो सीवी। यहाँ से आप अपना रेज्यूम या सीवी बना सकते हैं। आई नो काफी प्रॉब्लम आती है लोगों को, क्योंकि रेज्यूम ज्यादातर फ्री नहीं मिलते उनको, तो आप यहाँ से फ्री रेज्यूम बना सकते हैं, बट फिर से वही कंडीशन होगी कि स्टार्टिंग के एक या दो रेज्यूम आप फ्री बना पाएंगे, ये मोस्टली सबसे होता है, बट आई होप एक या दो रेज्यूम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक रेज्यूम को आप बना सकते हैं, फिर आप उसको अपडेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसमें चेंजेस भी करते रह सकते हैं, लेआउट को चेंज कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये अपनी फ्लो सीवी की वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्री में रेज्यूम बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, अकाउंट बनाना, उसके बाद आप सीवी को बना सकते हैं, कुछ लेआउट होंगे जो कि पेड होंगे और बाकी बहुत सारे फ्री हैं, इसमें आराम से आप एक दो रेज्यूम बना सकते हैं और फिर उनमें चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी नाइंथ वेबसाइट की, जो कि है कोड ब्यूटीफाई, ठीक है, बहुत ही यूजफुल वेबसाइट होगी आपके लिए, नेम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपके कोड को ब्यूटीफाई करेगी, ठीक है, बट ये यूनिक है, इसमें काफी फॉर्मेटर है, कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, काफी वैलिडेटर है, आपको
ऑनलाइन एडिटर्स मिल जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन है। अभी मैं आपको दो कर दूंगा, ठीक है, इसमें आपको कलर कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, जेसन कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन एडिटर्स मिल जाएंगे, वैलिडेटर्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ एक्सएमएल कन्वर्टर, बहुत तरह के टूल्स सब आपको मिल जाएंगे, अभी मैं आपको शो कर दूंगा। तो यार ये अपनी कोड ब्यूटीफाई की वेबसाइट है, फॉर्मेटर, ब्यूटीफायर, व्यूअर, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जो भी टूल आपको सर्च करना हो आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको सर्च ना करना हो तो नीचे आके ये सारी फंक्शनलिटीज के साथ खेल सकते हैं। उसके साथ नीचे और फंक्शनलिटीज है और फिर सबसे नीचे आप आएंगे, ये देख सकते हैं आप, सारी फंक्शनलिटीज हैं, सारे डेवलपर टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये वेबसाइट बहुत सही है, यहाँ पे आप कोड फॉर्मेटर वाले कंटेंट में आ गए, कन्वर्टर आपको सारे मिल जाएंगे जिनकी मैं बात कर रहा था वीडियो में, पार्सर, CSS टूल्स, इनकोड, डीकोड, CSP टूल्स, IP टूल्स, सारे आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो यार डू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एज वेल। अब हम बात करते हैं 10th पायलट वेबसाइट की। अगर आप अभी तक इस पर्टिकुलर जर्नी में मेरे साथ जुड़े थे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो जो अपनी लास्ट वेबसाइट है वो है एक्सप्लेन सेल। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर आप बेसिक गेट कमांड्स को सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। अगर आपको समझना है कि कोई भी गेट कमांड का मेन यूज क्या है, जैसे मानो कोई भी गेट कमांड हो गया, CD हो गया, चेंज डायरेक्टरी हो गया, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं और आपको पूरा वो यूज केस दिखा देगा उसका मतलब क्या है CD का, अच्छे से पैरेंट डायरेक्टरी और वर्किंग डायरेक्टरी के बीच में अच्छे से आपको शो कर देगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको गेट सीखना है तो वो भी आप इस वेबसाइट से प्रैक्टिकल में सीख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए। तो यार अपनी लास्ट वेबसाइट है, इससे अगर आपको कोई भी गेटर कमांड सीखना हो, जैसे मैंने आपको CD का एग्जांपल दिया था, तो CD लिखते हैं, एक्सप्लेन पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन कर देगा CD होता है क्या, चेंजिंग द वर्किंग डायरेक्टरी और इस पर तो फॉर्मेट में, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, थीम भी आप चेंज कर सकते हैं। या अगर मानो कोई दूसरा कमांड आपको चाहिए PWD, तो इसको सर्च करते हैं तो आपको वो यहाँ पे शो हो जाएगा वो पर्टिकुलर कमांड क्या करता है, ठीक है। तो ऐसे आप किट कमांड को सीख सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। यार ये थी अपनी टॉप 10 वेबसाइट। एक और फाइनल वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन है और जिसका कोर्स बहुत ही बेहतरीन है, वो वेबसाइट है न्यूटन स्कूल, और उसका कोर्स है न्यूटन स्कूल का पोस्ट डेवलपमेंट कोर्स। ये भी आपका प्लेसमेंट प्रोग्राम है न्यूटन स्कूल का, इसमें आपकी गारंटी CDC 5 लाख से 40 लाख की जॉब लगती है, एंड स्टार्टिंग में आपको इसमें कुछ पे नहीं करना होता, पे आपको जॉब लगने के बाद ही करना होता है। इसमें बेस्ट इन क्लास इंडस्ट्री मेंटर्स आपको पढ़ाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स की लिंक है, आप उसे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फोर्थ ईयर में तो ये बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए, अगर हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।